प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से भी प्रधान सेवक तो नहीं लगते हैं, बल्कि भाजपा के लिए वोट बटोरने वाली मशीन की तरह काम करते हैं। मणिपुर पिछले 2 महीने से जल रहा है, खून की छींटे अब तक नहीं रुकी हैं, मगर नरेंद्र मोदी ने इस मसले में कहीं से भी प्रधान सेवक जैसा काम करना। संख्या में आपकी मौजूदगी हैदराबाद में उस परिवार की नींद हराम कर रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार आई न्यूज के मंच पर स्वागत करता हूं। आगामी चुनाव साल 2024 के लिए वोट बटोरने वाली मशीन की तरह काम करने शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी विपक्ष के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दलों के घोटालों को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है, तो मोदी जी भी गारंटी देते हुए बोले, हर घोटालेबाज भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं, जिसने देश को लूटा है, जिसने गरीबों को लूटा है, उस पर कार्रवाई की गारंटी मैं देता हूं। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी के इस तरह के भाषणों को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि वस्तु स्थिति तो ये है कि अगर कोई ये कह रहा है कि भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है तो इसका मतलब सूरज पूरब से नहीं उगता है। सच्चाई यह है कि भाजपा भ्रष्टाचार की अनंत संभावनाओं में डूबी हुई साफ साफ दिख रही है, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी के शब्दों को देखा जाए तो लगता है सच की छानबीन करने वाली और सच दिखाने वाली संस्थाओं ने लोगों के साथ गजब का घोटाला किया है। ईडी सीबीआई मोदी की जेब में रहती हैं और मीडिया उनकी गोद में खेलती है, तो बताइए सच पता कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी को पता भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पत्थर जैसे वो विपक्ष दलों पर फेंक देंगे वैसे ही उनका काम बन जाएगा, मगर मीडिया को भ्रष्टाचार परिवारवाद केवल विपक्ष दलों में दिखता है, ना कि भाजपा सरकार में, ना कि भाजपा पार्टी में, ना नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में दिखता है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गोदी मीडिया अपना काम मोदी मीडिया की तरीके करने में लगी हुई है। अगर मीडिया सच नहीं दिखा रही है तो इसका मतलब है कि गरीबों को लूटा जा रहा है, देश की सच्चाई नहीं बता रही है तो लोगों के साथ गद्दारी की जा रही है, देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री के हिसाब से चलिए आज कुछ खास खबर पर हम बात आपको देश के सामने रखते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के हिसाब से छपी इस खबर में बोलती है भाजपा के 9 साल बेमिसाल, तो उन्हीं 9 साल में आंकड़े हम आपको कुछ दिखाते हैं। 9 साल पर क्या है खुलासा। 9 साल में केवल प्रिंट मीडिया यानी अखबार के जरिए विज्ञापन पर मोदी सरकार ने 2300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी रोजाना के हिसाब से देखा जाए तो 70 लाख रुपए का रोजाना खर्च आया है अखबारों में विज्ञापनों को छपवाने का। इतनी आमदनी तो भारत के 90% लोग साल भर में नहीं कमा पाते। मोदी सरकार को इतनी बड़ी रकम किसने दी? क्या इसकी छानबीन नहीं होनी चाहिए? क्या यह एक तरह का घोटाला नहीं है? यह तो केवल अखबारों पर खर्च हुआ पैसा था। सोचिए जरा, दिमाग पर जोर डालिए। टीवी मीडिया, सोशल मीडिया पर न जाने कितने ट्रोल, आईटी सेल कितना पैसा खर्च किया होगा। इन पर खर्च होने वाला नाजायज पैसा कहां से आया? क्या इसकी सीबीआई ईडी छानबीन करेगी? तो बताइए इस खास खबर में आपने क्या समझा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हो। पंकज कुमार के साथ जय हिंद जय भारत।